बीजेपी को लगे दो और बड़े झटके। पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी और जयप्रकाश गुप्ता कांग्रेस में हुए शामिल। बाड़रा से सुखविंदर मांडी और करनाल से जयप्रकाश गुप्ता रह चुके हैं विधायक। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। बीजेपी छोड़कर अब तक 50 से ज्यादा विधायक पूर्व सांसद व मंत्री पूर्व मंत्री कांग्रेस में हो चुके हैं शामिल। टिकट बंटवारे के बाद से बीजेपी में मची हुई है जबरदस्त भगदड़। और आज हमारे बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में दो प्रदेश के बड़े चेहरे जो करनाल से श्री जयप्रकाश गुप्ता जी जो कई बार विधायक रहे, मुझे भी इनके साथ विधायक रहने का मौका मिला, दोनों के साथ ही विधायक रहने का मौका मिला। आदरणीय श्री जयप्रकाश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बाड़रा से पूर्व विधायक बहुत ही हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेता श्री सुखविंदर सिंह माठी, वो भी आज हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं और साथ ही हमारे पहले ही शामिल हो चुके हैं, ये वो इनके अंकल हैं श्री नरेंद्र मांडी श्री भाई, और इनके दादाजी चौधरी अतर सिंह मांडी बहुत बड़े हमारे इस प्रदेश के नेता हुए, वो भी पूरे तीन पीढ़ियों से बहुत बड़ी जो विरासत के मालिक हैं वो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हमारे परिवार में शामिल होने पर मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो आज पार्टी में शामिल हुए हैं सबको अपना आशीर्वाद वचन दें, चाहे वो गवर्नर से होंगे। इन भाइयों ने कोई चेयरमैन है, कोई सरपंच है, जितने भी अलग अलग जगह से जिन भाइयों ने आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं जिनकी सूची पड़ती है, मैं उनको यही कह सकता हूं उन्होंने ठीक फैसला लिया है, क्योंकि हवा चल रही है कांग्रेस के पक्ष में और जिस भरोसे से कांग्रेस में सभी साथियों को पार्टी में उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।